सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। हम लोग सफारी रिट्रीट का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 3 अक्टूबर 2024 को आया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो यूट्यूब में हैं उनके लिए बता देता हूं कि अगर आप अच्छा जीएसटी सीखना चाहते हैं, जीएसटी लिटिगेशन एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब के अलावा एक ज्वाइन का भी बटन होता है, उसको जरूर से क्लिक कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। अब एक बात बताइए, प्लांट और मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी में फर्क क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिफाइंड, प्लांट और मशीनरी इज नॉट डिफाइंड। यानी कि प्लांट को अलग तरह से देखेंगे, मशीनरी को अलग तरह से। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर बिल्डिंग इज ए प्लांट और नॉट। मशीनरी में तो कवर होगा नहीं। अब बच गया प्लांट, तो यस। अच्छा, मैं प्लांट का अगर मतलब समझता हूं तो बहुत सारी मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीनरी कंस्टिट्यूट्स प्लांट, यस और नो? हाँ बिल्कुल। ग्रुप ऑफ मशीनरी कंस्टिट्यूट्स प्लांट। इसका मतलब अगर मैं खुद से कोई मशीन खरीदूंगा तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, बिल्डिंग का मतलब, जनरल मतलब क्या है बिल्डिंग का? बिल्डिंग में स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर ठीक है, फोर वॉल्स, और मैं इसको कह दूं स्ट्रक्चर रहने की जगह, बिल्डिंग बिल्कुल। रहने की जगह। तो ये अगर ऐसी बिल्डिंग जो रहने की जगह है वहां मैं मशीनरी डाल दूं तो क्या ये बिल्डिंग प्लांट बन जाएगा? हेलो। नहीं अच्छा चलिए मैं तो एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा। ये जो प्लानिटेरियम है जहां पर शोज होते हैं, एक गुंबद होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, यहां पर पूरे देखें बैठने की जगह होती है, इज इट बिल्डिंग? हेलो। तो कहते तो बिल्डिंग ही है। अब इसकी जो बनावट है, जहां पर मशीनरी है, प्रोजेक्टर है, बैठने की जगह है, लोग आते हैं और एक शो शुरू होता है, ऑडियो सिस्टम लगा होता है, बेहतरीन ऑडियो सिस्टम लगा होता है, बहुत अच्छे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कई तरह की चीजें लगी होती है। कैन इट बी ट्रीटेड एज प्लांट? हेलो। ये प्लांट एंड मशीनरी तब कहलाएगा, नॉट प्लांट। देखिए, प्लांट और मशीनरी है तो प्लांट को अलग पढ़िए, मशीनरी को अलग पढ़िए। अब मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं दोबारा, क्या वेदर दिस प्लानिटेरियम कैन बी ट्रीटेड एज प्लांट? यस इट कैन बी ट्रीटेड। इट कैन बी ट्रीटेड एज प्लांट। यस अब अगर ये प्लांटेरियम को मैं क्लॉज सी में ठेके पे बनवाऊं तो मुझे क्रेडिट मेरा ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अगर क्लॉज डी में मैं ओन अकाउंट से अपनी बाकी मटेरियल खरीदूं इसको बनवाने के लिए तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, यस और नो? यस यस अच्छा, अब मैं कुछ कुछ और एग्जांपल्स लूंगा, आप बताते जाइएगा प्लांट है या नहीं है। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट बड़े बड़े होते हैं, देखिएगा भावा में बड़े बड़े, क्या कितने तरह की मशीनरी लगी होती है, बताइए। सर, अभी तक जो मैं समझा हूं, हाँ मुझे लगता है अगर उसमें कोई व्यक्ति रहता नहीं है। नहीं, वो डेफिनेशन पर जाइए मत, ह्यूमन ह्यूमन रहना जरूरी नहीं है बिल्डिंग, क्योंकि हम वर्ड तभी बिल्ड हम उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। अगर नहीं। वहां लिविंग अगर कर दें तो प्लांट एंड मशीनरी में तब वो नहीं आएगा अच्छा, आप कह रहे हैं अगर ह्यूमन रहने लग जाए तो वो फिर प्लांट नहीं होगा, ठीक बात, ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजनेस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए तो है नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो है नहीं जहां पर लोग रहेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग में भी लोग आते बिल्कुल जाते रहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम ही के साथ है प्लांट, इसका क्रेडिट अगर क्लॉज डी में फॉल करता है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस और नो? नहीं मिल जाएगा, बिल्डिंग मिलेगा। के अंदर मशीन इट इज ए प्लांट, मिल जाएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, क्लाउड किचन। अब बेंगलोर में अक्षय पात्रा है, आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है बिल्डिंग में, जो खाना बना रहा है, रोटी की मशीन अलग, दाल की मशीन अलग, आटे की मशीन अलग, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है उस बिल्डिंग में, इज इट प्लांट क्लाउड किचन? बिल्कुल है, क्योंकि जो यस डेफिनेशन अभी हम लोग जोड़ रहे हैं कि वहां कोई रहता नहीं है, उसका यूज ही उसमें है, तो बिल्कुल है वो। है ना, तो इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंक्शनलिटी टेस्ट देखिए, तो फंक्शनलिटी टेस्ट देख के तो ये प्लांट नजर आ रहा है, और सुप्रीम सफारी रिट्रीट के जजमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि पॉन्ड जिसमें मछली पालन होता है वो भी प्लांट है। जब इस हद तक सुप्रीम कोर्ट अगर या कोर्ट्स चले गए कि पॉन्ड को भी कहने लगे ये प्लांट है, तब तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्लाउड किचन, प्लानिटेरियम को प्लांट कह के कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। अब आइए पोर्ट्स, जहां पर ये स्ट्रक्चर रहता है, क्रेन्स रहते हैं, कुछ बिल्डिंग्स रहते हैं सामान स्टोर करने के लिए, इज इट ए प्लांट? हाँ हो जाएगा। कोर्ट ने कहा यस इट इज ए प्लांट। फिर होटल्स, गेस्ट हाउस, आप सोच के देखिए ये जजमेंट ने एक लिटिगेशन का अनबॉक्स कर दिया है, कितना लिटिगेशन होने वाला है अब। और बोलता हूं टोल प्लाजा,
सिनेमा हॉल्स, सिनेमा हॉल में आप देखिए सीट्स लगे होते हैं, साउंड सिस्टम है, प्रोजेक्टर है, बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है। और इनकम टैक्स एक्ट में तो किसी समय में इसको प्लांट कहा गया। क्यों इस इनकम टैक्स में गया? क्योंकि बिल्डिंग पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% था और किसी जमाने में प्लांट एंड मशीनरी पे रेट ऑफ 25% था। वो सिनेमा हॉल मालिक उस पर बोलता प्लांट है मेरा 25% का डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा था ये बिल्डिंग और 10% का डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था। कोर्ट्स ने कहा सिनेमा हॉल इज ए प्लांट, तब इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन चेंज की इनकम टैक्स में और कहा कि प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग, और उसके बाद कहानी शुरू। तो सिनेमा हॉल वॉज ट्रीटेड एज प्लांट। डिस्कोथिक क्लब्स जहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी होती है, एक डीजे होता है, उसके भी कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, डांस फ्लोर होता है उसमें भी लाइट्स होते हैं, ऊपर नीचे कहाँ कहाँ सब लाइट्स ही लाइट्स। क्या ये प्लांट है? सर प्रैक्टिकल में तो देखिए तो प्लांट्स तो हो ही गया। हो गया ना प्लांट। देखिए ये हाँ हो गया। जो अभी उदाहरण हम लोग ले रहे हैं कि नॉर्मली जो रहने के लिए यूज नहीं हो रहा है, इनका कोर्स आप पढ़ रहे हैं, उससे व्यापार हो रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी में कवर होगा। प्लांट है टोल आप देखिए कितना लिटिगेशन बढ़ने वाला है। टोल प्लाजा प्लाजा की तो टोटल ITC नहीं है, ब्लॉक नहीं, अभी तो यही डिस्कस कर रहे हैं, टोल प्लाजा प्लांट है या नहीं। टोल प्लाजा जो कलेक्शन है है उसमें तो कोई मशीन यूज होती नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल होती है मशीन यूज। बिल्कुल ये लगा होता है, क्या हाँ बैरियर बैरियर होता है ना, होता है, कंप्यूटर होता है, कैमरा होता है, कैमरा होता है, फिर वो स्कैन करने के लिए कुछ मशीन्स लगी होती सब है, कुछ है वहाँ। तो ये भी प्लांट है। और अच्छा वाटर पार्क, वही उसी श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा ये स्नो स्नो पार्क क्या बोलते हैं इसको जो मॉल्स में होते हैं, सर सिंपल सी बात हो, रहने के तो गेम यूज में पार्लर, आएगा नहीं, गेम पार्लर्स उससे सब वो उसी में जाएंगे, सब प्लांट है सब यार, बिजनेस है। सब प्लांट है। अब हम आ जाते हैं सफारी रिट्रीट के जजमेंट में, मॉल प्लांट है। सर जनरली वे में भी सोचिए, मैंने अगर इन्वेस्ट किया है रहने के लिए नहीं है, उससे मैं बिजनेस कर रहा हूं और नहीं, आप गवर्नमेंट को वहां टैक्स नहीं जाना, हमको वहां नहीं जाना, मॉल प्लांट है या नहीं, बस इतना ही डिस्कस। हाई है, वो मॉल रहने के लिए है ही प्लांट नहीं, वो प्लांट है। नहीं, नहीं रहने, ओहो सिर्फ उस इस लाइन से नहीं, प्लांट का मतलब जिसमें मशीनरी हो और वो मशीनरी बिना बिल्डिंग के काम नहीं करती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट। अब मुझे क्या बताइए, मॉल में जहां पर दुकानें हैं, अच्छा शॉप्स, मॉल शॉप्स प्लांट है? नहीं, शॉप्स तो प्लांट नहीं है ना, लेकिन मॉल के अंदर शॉप्स अगर हो तो पूरा मॉल प्लांट हो जाएगा क्या? नहीं आज आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिमांड बैक कर दिया हाई कोर्ट में, खुद तो डिसीजन ले सकता था ना। सर मुझे एक चीज बताइए। एक मिनट राजेश जी, खुद डिसीजन ले सकता था, हाँ दे रिमांडेड बैक। व्हाई? बिकॉज देर माइट बी सर्टन मॉल्स विच माइट बी ट्रीटेड एज प्लांट एंड माइट नॉट बी ट्रीटेड एज प्लांट बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स जो अभी हमने आपको कहा। इसके अंदर स्नो पार्क हो, वाटर पार्क तो नहीं हो सकता है, गेम पार्लर हो, इसके अंदर रेस्टोरेंट होते हैं मॉल रेस्टोरेंट के अंदर, पिज्जा हो, किचन हो, हट चाट नहीं, होते हैं, रेस्टोरेंट क्लब में नहीं हो, पिज्जा हट होते हैं, म्यूजियम मनोरंजन के कुछ साधन होते हैं। यस म्यूजियम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मॉल के अंदर घुसने का तरीका, फिर वहां पर पार्क बना होता है या फिर फाउंटेन लगे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मॉल, हर एक मॉल प्लांट नहीं हो सकता, इसलिए रिमांड बैक करना पड़ा। और कोई एग्जांपल जो आप ले सकते हैं? वेयर हाउस सर, गोडाउन वेयर हाउस, वेयर हाउस कैसे होगा, गोडाउन। गोडाउन नहीं होगा प्लांट। सर एक क्राइटेरिया और है, थोड़ा सा हट के है। सही है, हम मॉल बनवाते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, शटर, गेट, बड़े शटर। हाँ हम उस मॉल में शटर न लगवा के अगर हम गेट लगवाएं, दरवाजे मतलब ये लकड़ी के लगवाएं, लोहे के लगवाएं, कमरे टाइप का बनवाएं, तो हाँ दोनों में अंतर हो गया ना। क्या? अच्छा गोपाल जी को देख रहा हूं, मुझे एक चीज और याद आ गई। गोपाल जी आपका एक था जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए थे, 80 करोड़ का शायद था, पानी को यस रोक। सर, वो सर गो एक पोर्ट है, पोर्ट, हाँ पोर्ट है, वो पोर्ट में मैंने शिप को रोकने के लिए ही बड़े बड़े ईंटे लगाए गए थे, एक हाँ बांध बनाया गया था। तो एक बांध बनाया गया था, अब वो इन लोग ने क्या किया है कि ITC खड़ा करके रखा है बुक्स, करेक्ट। और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ये मेरा प्लांट है, बिकॉज अगर ये बांध नहीं होगा तो मेरा शिप आके रुकेगा नहीं, करेक्ट। अब और उसमें बॉम्बे बड़े हाई, बड़े ईंटे लगाए हुए हैं, सीमेंट यूज यस नहीं हुआ।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दे दिया कि क्योंकि ये प्लांट नहीं है तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। अब उस जजमेंट को भी चैलेंज करना पड़ेगा टू ट्रीट दिस एज ए प्लांट। यस अब ये प्लांट मान लीजिए क्लॉज सी में है या क्लॉज डी में, ये भी देखना होगा। क्लॉज सी में तो ऐसे ही गया ये इसका क्रेडिट, क्लॉज डी में होगा तभी तो क्रेडिट मिलेगा। आज आप सोच के देखिए सी और डी में जो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया, जिस इसके कारण लिटिगेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। अगर यही प्लांट और मशीनरी को एंड रीड कर लिया जाता तो काम ही खत्म था। सारा सारा कहानी वो और की वजह से है, यस, अब हम रिलेटेड है उतना ही रहेगा। देखिए ये बड़ा जबरदस्त है, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, मॉल्स, मॉल्स के सारे एरिया थोड़ी प्लांट हो जाएंगे, कुछ एरिया प्लांट होगा। तो ये तो उड़ीसा हाई कोर्ट, जज उड़ीसा हाई कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। सर, टिल इट इज डिसाइडेड वेदर वी कैन अवेल द क्रेडिट एंड राइट बैक इन द सेम मंथ। यस, आप क्रेडिट मान लीजिए आपको डाउटफुल कोई क्रेडिट है तो अवेल कर लीजिए और टेम्पररी रिवर्सल में डाल दीजिए। प्रतीक बोलिए बोलिए, कुछ सर, बोलिए। क्या यहाँ पे प्लांट का मतलब ये निकल रहा है कि वो चीज एज अ होल अगर कोई सप्लाई करने में यूज आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई करने में, तो वो प्लांट बनेगा? मतलब एज अ होल अगर वो चीज एक इंडिविजुअल एंटिटी बनी, जैसे अपन ने न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिस्कशन किया, टोल प्लाजा का डिस्कशन किया, तो जो सप्लाई होगी वो एंटिटी एज अ होल से होगी, पूरे ग्रुप से होगी, ना कि कोई एक चीज से। ठीक बात है, करेक्ट करेक्ट। मान लिया मतलब मॉल को अगर मैंने कंस्ट्रक्ट किया और सारे शॉप्स अगर किराए पे हैं तभी इसको प्लांट माना जाएगा, कुछ शॉप्स किराए पे तो प्लांट नहीं माना जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। हमें सफारी रिट्रीट का जो मॉल है वो हाँ 100% सर किराया पे, तो हंड्रेड मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर पे ही है, तो अच्छा, ओके ओके वो 100% किराया पे है, एक भी ना ओनर ने सोल्ड आउट नहीं किया। ओके और उस मॉल में जैसे आपने आपने डिस्कस किया, वही रेस्टोरेंट है, दुकानें और कुछ, और कुछ और ऑफिस ऑफिस ऑफिसेस है, बट वो ऑफिसेस सर सोल्ड आउट कर दिया है। मॉल एक ही है, ऊपर के फ्लोर में ऑफिसेस हैं, तो माने 9 तल्ला के हैं, तो 5 तल्ला सर ऑफिस है और 4 तल्ला मॉल है। तो वो गेमिंग आर्केड है, सर हाँ गेमिंग आर्केड ये सब है, गेमिंग गेमिंग सिनेमा हाँ गेमिंग वेमिंग सब है, सिनेमा हॉल भी है, हॉल भी है। तो बताइए। अभी सर यहाँ पे इश्यू ये है कि वो ऑफिसेस को सोल्ड आउट कर दिया है और मॉल को सारा रेंट में रखा है। ओके तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ही उठेगा कि आप जैसे प्लांट जो सोल्ड आउट कर दिया है उस पे तो कहानी खत्म है, अब खाली जो रेंट आउट पे पोर्शन पे है तो उसको प्लांट ट्रीट किया जाए कि नहीं? और सर अभी अगर सोचिए क्लाइंट एडवाइस मांगता है कि अभी हमें इस ऑर्डर के बेसिस पे क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सर अभी वेजिटीज वैसे ही पार्क करके रखना होगा 5 साल, समझ हाँ, लीजिए अवेल करके रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करें कि नॉट अवेल्ड में छोड़ दें नहीं, अवेल करके टेम्पररी रिवर्सल में डाल दीजिए। हाँ, सर उसको इसी कैरी फॉरवर्ड करते रहें। बट नहीं तो नवंबर 2001 नवंबर का टाइम बार हो जाएगा। सर रिवर्सल करना, अच्छा रिवर्सल करना ही पड़ेगा नहीं तो यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ सर इसी केस में अगर अभी नहीं, रेंट के सर सर अगर आप क्रेडिट ले रहे हो और यूटिलाइज ना करो तो क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा, तो उसको रिवर्स करने का जरूरत क्या है। अब मैं भी वही बोल रहा था कि रिवर्स ना करें तो हाँ कोई दिक्कत, ये देखिए दो चीजें हैं। क्रेडिट मान लीजिए आपने सर 100 रुपया का क्रेडिट ले लिया और ये क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ठीक बात है, लेकिन लेकिन ये 122 में पेनल्टी के प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं तो पेनल्टी कितना होगा 122 में? जितना क्रेडिट लेजर में है। ये भी देखिए ये भी पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स डाउटफुल है क्योंकि सेक्शन 74 में भी इशू कर सकते हैं, 122 में भी इशू कर सकते हैं, लेकिन कई कोर्ट्स ने कहा कि अवेल करने से पेनल्टी नहीं लगनी, अवेल एंड यूटिलाइज करने से पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन मानते नहीं है ना। सर ये कंट्रोल नहीं रहता हमारा कंट्रोल, क्योंकि देर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ IGST फर्स्ट एंड ऑल दोस रूल्स आर देयर, दैट्स व्हाई इज बेटर टू अवेल एंड रिवर्स इट सो दैट इट कैन बी अवेल्ड एनी एट एनी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। यस, वो बेटर रहेगा, आप ये सबसे भी बच जाएंगे, इंटरेस्ट से तो बचे हुए हैं, ये 122 74 से भी बच जाएंगे। सर अभी जो सर ने डिस्कस किया ना सफारी रिट्रीट का, जो मॉल वाला, तो